हेलो बच्चों क्या हाल चाल बढ़िया एकदम सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द अल्फा सीरीज फॉर क्लास इलेवन फिजिक्स और अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट और आज है उसका लेक्चर नंबर नाइन्थ तो लेक्चर नंबर नाइन्थ में हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज स्क्रू गेज से जुड़े जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि पिच क्या होता है लीस्ट काउंट क्या होता है स्क्रू गेज का कैसे हम रीडिंग लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज जीरो एरर क्या होता है और जीरो एरर को करेक्ट कैसे करते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज के लेक्चर में कवर हो जाएंगे साथ ही साथ स्क्रू से जुड़े जितने भी बढ़िया न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं सब हम आज के लेक्चर में धुआं धुआं कर देंगे तो तैयार हैं आप जल्दी से कॉपी और पेन निकालो नोट्स बनाना स्टार्ट करो और जो आलसी बच्चे हैं वो इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर जाकर वेबसाइट का लिंक मैं नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और क्या मिलेगा और आपको इस लेक्चर के साथ मिलेगी डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डीपीपी में होंगे इस लेक्चर से जुड़े आठ से दस बढ़िया न्यूमेरिकल्स तो पहले पूरे लेक्चर को कंप्लीट करें उसके बाद वेबसाइट पे जाएं वहीं पे आपको डीपीपी मिलेगी डीपीपी को डाउनलोड करें और उसको जरूर से अटेम्प्ट करें तो शुरू करें यस माय नेम इज अलग पांडे एंड दिस इज योर ओके ओके ये चैनल फिजिक्स वाला ओके ओके इसलिए क्योंकि सर जी आप गायब थे गोल आज का गोल क्या है आज का गोल है स्क्रू गेज को कंप्लीट करना इसके पहले आपने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर्स वर्नियर कैलिपर्स का क्या काम था लेंथ मेजर करना या डायमीटर मेजर करना तो वर्नियर कैलिपर के बाद स्क्रू गेज बनाने की क्या जरूरत पड़ गई इसका भी काम वही है लेंथ मेजर करता है और डायमी देखो वर्नियर कैलिपर जो सबसे छोटी मेजरमेंट ले सकता था जो उसका लीस्ट काउंट था वो था 0.01 सेंटीमीटर, है ना नॉर्मली 0.01 सेंटीमीटर, 0.01, यानी डेसिमल के बाद दो करेक्ट प्लेसेस तक वो मेजरमेंट दे सकता था स्क्रू गेज डेसिमल के बाद तीन करेक्ट प्लेस चार करेक्ट प्लेस पांच छह तक सही मेजरमेंट दे सकता है यानी इसका लीस्ट काउंट 0.001, 0.0001 सेंटीमीटर इस तरह से हो सकता है यानी ये और प्रिसाइज मेजरमेंट दे सकता है एस कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर्स ठीक है तो शुरू करें सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन कैसा दिखता है छी छी सर इतनी ढेर सारी चीजें टेंशन मतलब तुम्हें सारी चीजें इतनी डिटेल में नहीं समझनी है तुम दो चीजों पे ध्यान दो एक है अपनी पिच स्केल एक है अपनी सर्कुलर स्केल याद करो वर्नियर कैलिपर्स में भी दो स्केल थी एक थी मेन स्केल एक थी वर्नियर स्केल तो यहां पे भी दो स्केल है एक है पिच स्केल जो कि फंक्शन करेगी लाइक मेन स्केल इसको मेन स्केल भी बोला जाता है कई बार इसका नाम स्लीव भी लिखा होता है स्लीव ऐसे ये अपना मेन स्केल वाला काम करेगी पिच स्केल और वहां पे दूसरी स्केल कौन सी थी वर्नियर स्केल यहाँ पे वर्नियर स्केल का काम करती है सर्कुलर स्केल या इसको कई बार हेड स्केल भी बोलते हैं या इसको हेड स्केल भी बोलते हैं ये हो गई मेन स्केल और ये हो गई अपनी हेड स्केल ठीक है वहां भी दो स्केल थी मेन स्केल और वर्नियर स्केल यहां भी दो स्केल है पिच स्केल एंड सर्कुलर स्केल ठीक है इन्हीं दोनों की हेल्प से रीडिंग निकल आती है अब बाकी कंपोनेंट को भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं एक तो सबसे पहले यहां पे एक यू तरह का फ्रेम है इस फ्रेम के अंदर ये ऑब्जेक्ट को फसाना है जिसका लेंथ या डायमीटर मेजर करना है जैसे मान लो मुझे इस मार्कर का मार्कर नहीं है स्टाइलस है, है ना स्मार्ट बोर्ड के लिए स्टाइलस इस स्टाइलस का डायमीटर मेजर करना है इसका डायमीटर तो हमें क्या करना होगा इस स्टाइलस को स्क्रू और स्टड के बीच में फंसाना होगा ये रहा स्क्रू और ये स्टड इनके बीच में फसाना होगा थोड़ा बहुत नेमिंग समझते हैं कई बार स्टड को एनविल नाम से भी लिखा जाता है और कई बार स्क्रू की जगह स्पिंडल नाम भी यूज होता है ठीक है थोड़ा बहुत नाम याद रखो ठीक है स्टड को एनविल और स्क्रू को स्पिंडल नाम से ही बोला जाता है थोड़ा बहुत ध्यान रखो बाकी सवाल की लैंग्वेज देख के अपने आप समझ में आ जाएगा अब कैसे फंसाएंगे देखो जनरली जब मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं तो स्क्रू गेज ऐसा दिखता है एक क्लोज्ड स्क्रू गेज बिफोर मेजरमेंट यहां देखो थोड़ा सा खुला हुआ है खुला हुआ है मतलब ये देखो थोड़ा सा पीछे शुरू में क्या होता है ये पूरा क्लोज होता है ये इसके ऊपर पूरा क्लोज ये जो स्पिंडल है ये जो स्पिंडल इस है इसी के अंदर बच्चों स्क्रू होता है बाहर से दिखाई नहीं पड़ता जनरली देखने में क्या लगता है कि स्टील का सिलेंडर है इसी के अंदर स्क्रूज बने होते हैं तो स्पिंडल जाके अपने स्टड से पूरा बंद होता है और दूसरी चीज देखो सर्कुलर स्केल पूरी तरह से पिच स्केल पे चढ़ी हुई है यहां पे देखो थोड़ी खुली हुई है एक्चुअल में जब बंद करोगे तो सर्कुलर स्केल पूरी तरह से पिच स्केल पे चढ़ी होती है ये सर्कुलर स्केल ना रोटेट हो सकती है अब सुनो 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 मान लो इसका डायमीटर वैसे करना है तो आपको यहां पे इसको फिक्स करना होगा तो आप सर्कुलर स्केल को एंटी क्लॉकवाइज कैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे ऐसे घुमाओगे जैसे-जैसे आप सर्कुलर स्केल को घुमाओगे ये स्पिंडल पीछे आता जाएगा स्पिंडल इस या इसी के अंदर क्या है

उसको आप बीच में लगाओ यहां पे लगाने की कोशिश करो स्टड और स्क्रू के बीच में स्टड और स्क्रू के बीच में और इसको अपनी सर्कुलर स्केल को इसको कई बार थिम्बल भी बोला जाता है सर्कुलर स्केल को थिम्बल सब नाम है थिम्बल आप थिम्बल को ऐसे ऐसे घुमाओ आप इस थिंबल को है ना थिम्बल इसको सपोर्ट दिया है सर्कुलर स्केल को सपोर्ट दिया है थिम्बल कुछ नहीं नाम है इसको आप ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ ये सर्कुलर स्केल पीछे खिसकेगी जैसे-जैसे ये पीछे खिसकेगी ये खुलता जाएगा और जैसे-जैसे ये पीछे खिसकेगी पिच स्केल की रीडिंग दिखाई पड़ने लगेगी ठीक है आपने घुमाया मान लो यहां पे आके ये फंस गया इस जगह पे आके ये फंस गया अभी हम इंश्योर करेंगे कि टाइट है कि नहीं भाई ज्यादा खुल गया गोल गोल घुमाते घुमाते है ना <laughs> जब हम लोग टैप खोलते हैं ऐसे पानी बहुत तेज आने लगता है ना पूरी पैंट वैंट गंदी हो जाती है तो वैसा ही इसमें भी ज्यादा खुल गया अभी ये टाइट नहीं गिर जा रहा है अब क्या करोगे इसको वापस क्लॉकवाइज घुमा के टाइट करो है ना आपने ऐसे ऐसे खोला ऐसे ढक ठक 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 खोला ज्यादा खुल गया रखा नहीं जा रहा तो इसको टाइट किया टाइट हुआ अब कैसे कन्फर्म होगा कि टाइट हो गया है कैसे कन्फर्म होगा कि एकदम सही मेजरमेंट आ रही है उसके लिए होता है बच्चों ये रैचेट आप पूरा घुमा लो पहले खोलो सुख 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 बीच में लगाया थोड़ा टाइट किया अब लग रहा सही टाइट है तो एक बार रेचेट को घुमा के देख लो ये पीछे वाले को थोड़ा सा घुमा के देखो अगर आवाज आती मतलब है टाइट हो गया है ठीक है मैं फिर से रिपीट करता हूं थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल है फिर से रिपीट करते हैं है ना मेजरमेंट वाली चीजें लैब में करते हैं हमारे पास दो स्केल हैं पहली स्केल है पिच स्केल ये कैसे फंक्शन करती है मेन स्केल की तरह इसका एक नाम स्लीव भी है है ना स्लीव क्या होता है बाह है ना शर्ट की स्लीव होती है तो देखो स्लीव जैसा दिख भी रहा है ठीक है दूसरी स्केल हमारी वर्नियर स्केल की जगह दूसरी स्केल है सर्कुलर स्केल इसको हम हेड स्केल भी बोलते हैं और कई बार सर्कुलर स्केल की जगह थिम्बल वर्ड भी यूज कर देते हैं थिम्बल क्या है इस सर्कुलर स्केल को सपोर्ट मिला हुआ है शुरू में क्या है ये पूरा बंद है हमें इसका डायमीटर मेजर करना है हमने को इसको बीच में लगाना है तो सर्कुलर स्केल को कैसे घुमाएंगे एंटाई क्लॉकवाइज ऐसे घुमाया सर्कुलर स्केल पीछे गई ये स्पिंडल स्पिंडल के अंदर है स्क्रू वो भी पीछे खिसका घुमाते गए पीछे खिसकता गया खिसकता गया बीच में लगाया अभी देख रहे हैं ढीला है तो वापस क्लॉकवाइज घुमा के टाइट किया अभी हम श्योर नहीं है टाइट है कि नहीं तो रेचट को जब हम श्योर नहीं है टाइट है कि नहीं रेचट को थोड़ा सा घुमाया कर आवाज हुई मतलब ये फिक्स हो गया है अब यहां पे लगा के रेचट घुमा लिया फिक्स हो गया अब पिच स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग दोनों मिलाकर आप इसका डायामीटर निकाल सकते हो रीडिंग कैसे लेनी आगे समझेंगे मतलब इन दोनों स्केल की रीडिंग से इसका डायामीटर निकल सकता है किस चीज की लेंथ भी निकल सकती है मान लो कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट हो माचिस की तीली है उसकी लेंथ निकालनी है तो माचिस की तीली को यहां पर रखेंगे पहले इसको खोला रखा पहले इसको जरूर जरूर ये पता है स्टार्टिंग में इसके ऊपर चढ़ा रहता है ये इसके ऊपर चढ़ा होता है पूरा खोला ये पीछे गया ये भी पीछे आया यहां पे तीली फसाई फिर इसको टाइट किया रेछड़ घुमाया कर आवाज हुई उसके बाद पिच स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग से कुछ कैलकुलेशन की एंड वी गेट फाइनल रीडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ किन दो स्केल पे अपना ध्यान होना है पिच स्केल जो कि मेन स्केल है और सर्कुलर स्केल की रीडिंग पे दो रीडिंग्स मिलेगी वहां पे क्या था मेन स्केल रीडिंग किस में? वर्नियर कैलिपर्स में मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग यहां पे क्या होगा मेन स्केल रीडिंग एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग बात क्लियर है कैसे घूमता है पीछे को एंटाई क्लॉकवाइज इसको फसाया वापस क्लॉकवाइज घुमा के इसको टाइट किया रेचेट से हम श्योर हो गए कि अब मेजरमेंट ली जा सकती है अब देखते हैं इसमें क्या क्या टर्म्स आने वाले हैं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों यहां पे ये जो स्क्रू के दो थ्रेड्स हैं थ्रेड्स मतलब खच्चर खच्चर देख रहे हैं क्या एक थ्रेड ये एक थ्रेड ये रुको स्क्रू के जो थ्रेड है एक थ्रेड ये एक थ्रेड ये इन दो थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस होता है अभी कुछ बता नहीं जाए इन दो थ्रेड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस होता है मेन स्केल की दो यूनिट्स के बीच का मेन स्केल के दो यूनिट्स के बीच का जो डिस्टेंस हाँ ये बड़ा कमाल का है

दो ये यहां से यहां ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है ये वही होता है जो मेन स्केल की दो यूनिट के बीच का डिस्टेंस इसको ऐसा डिजाइन किया जाता है द डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स इसको क्या बोलते हैं बच्चों थ्रेड्स बोलते हैं ए सक सक इसको बोलते हैं थ्रेड्स थ्रेड होता है मतलब धागे जैसा अरे स्क्रू देखा होगा इसमें ऐसे ऐसे कटा होता है ना स्क्रू ऐसे दीवार में लगाओ गोल गोल घुमाओ अंदर जाता है कटा होता है ऐसे से। तो ये जो दो थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस ऐसे दो कचर कचर के बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस होता है मेन स्केल के दो यूनिट के बीच का यहां तक बात क्लियर अब इसके टर्म समझे थोड़ा बहुत समझ में आने लगा ठीक है सबसे पहला टर्म है पिच पिच क्या होता है बच्चों दो थ्रेड्स के बीच का जो डिस्टेंस था ना ए ए भाई ऐसे ऐसे होगा स्क्रू एक थ्रेड दो थ्रेड इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं पिच क्या डिस्टेंस बिटवीन टू कंजीक्यूटिव थ्रेड्स इज कॉल्ड पिच है ना ये स्क्रू है ए, ऐसा है डिस्टेंस बिटवीन टू कंजीक्यूटिव थ्रेड्स इज कॉल्ड पिच इसी को पिच बोलते हैं वैसे ये डेफिनेशन काम की नहीं है न्यूमेरिकल्स के लिए एक्चुअल डेफिनेशन क्या है द डिस्टेंस कवर्ड बाई स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल इज कॉल्ड पिच समझते हैं समझो समझो ध्यान से इस सर्कुलर स्केल को जब आप एक रोटेशन पूरा दोगे भाई यहां पे देखो यहां पे देखो ये बंद है इस पे इस सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन दो शुरू में क्या होता है बच्चों इसका जीरो और इसका जीरो एक लाइन में है मेन स्केल का जीरो ये ये मेन स्केल का जीरो और ये सर्कुलर का जीरो शुरू में ये इसके ऊपर बंद है इसी के साथ लाइन में है ठीक है ये मेन स्केल का जीरो इस तरह से और ये सर्कुलर स्केल का जीरो ये देखो सर्कुलर का जीरो शुरू में दोनों किस में है एक लाइन में है अगर कोई जीरो एरर नहीं है इसके बाद में आगे बात करेंगे अब इसको जब आप एक कंप्लीट रोटेशन दोगे इसको जीरो से लेके पूरा वापस जीरो आ जाएगा गोल घुमाओगे तो जब इसको आप भैया घुमाओगे तो ये पीछे आएगा कि नहीं जब आप इसको एंटाई क्लॉकवाइज घुमाओगे पीछे आएगा तो इसके एक कंप्लीट रोटेशन में एक कंप्लीट रोटेशन में स्क्रू जितना पीछे आया दैट इज कॉल्ड पिच इसके एक कंप्लीट रोटेशन में स्क्रू जितना पीछे आया दैट इज कॉल्ड पिच और कमाल की बात यह है कि एक रोटेशन में ये एक थ्रेड पीछे आता है कितना कंफ्यूजिंग पहले तो मैंने बताया कि दो थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस और मेन स्केल पे दो यूनिट के बीच का डिस्टेंस एकदम सेम होता है अब मैं क्या बोल रहा हूं जब आप इसको एक कंप्लीट देखो जब रोटेशन पीछे आएगा कि नहीं इसको एक कंप्लीट देखो पीछे आया एक, पीछे आया एक कंप्लीट रोटेशन पे जितना पीछे आया उसको बोलते हैं पिच और कमाल की बात यह है कि एक रोटेशन पे ये एक थ्रेड पीछे आता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंजीक्यूटिव थ्रेड इज कॉल्ड पिच और जब एक रोटेशन दोगे तो ये एक थ्रेड पीछे मूव करता है आ, ये बात तुमने घर पे भी देखी होगी जो नॉर्मल स्क्रू होता है जब उसको गोल घुमाओ जब एक कंप्लीट रोटेशन दोगे ना तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक का डिस्टेंस आगे कवर होता है भाई ये तो तुम श्योर हो कि इसको जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये पीछे आएगा सॉरी एंटी क्लॉकवाइज तो ये पीछे आएगा तो एक चक्कर घुमाने पे बच्चों ये इतना ही पीछे आता है इतना डिस्टेंस बिटवीन टू कंजीक्यूटिव थ्रेड्स के बराबर अभी मैं नया नया हूं स्मार्ट बोर्ड पे ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा सीख जाऊंगा एक कंप्लीट रोटेशन में इतना ही पीछे आता है या इतना ही आगे भी जा सकता है मान लो हम क्लॉक वाइज घुमाएं टाइट करने लगे टाइट करोगे स्क्रू आगे बढ़ता है बच्चों इसीलिए ऐसे यहां पे देख लो पहले डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल इज कॉल्ड पिच ऐसे ही बोल सकते हैं पिच क्या है डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ये समझ लो यहां पे स्क्रू लगा है आगे ये स्क्रू है और ये सर्कुलर स्केल डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट देखो ये भी रखा हुआ है एक कंप्लीट रोटेशन में स्क्रू जितना पीछे गया दैट इज कॉल्ड पिच और कमाल की बात यह थी कि एक कंप्लीट रोटेशन में ये इतना ही पीछे जाता है जितना डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स है ये घर पे भी देखा होगा कि जो स्क्रू होता है उस नॉर्मल स्क्रू जो देते हैं घर पे इसीलिए तो इसका नाम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है सुना है कि नहीं इंटरनेट पे टाइप करना है स्क्रू गेज तो स्लैश करके माइक्रोमीटर लिख के आ जाता है अब माइक्रोमीटर क्यों है इसमें कई टीचर ये बताते हैं कि माइक्रो माइक्रोमीटर इसलिए है क्योंकि ये माइक्रोमीटर तक मेजरमेंट कर सकता है क्योंकि ये टेन टू दावर माइनस सिक्स मीटर तक मेजर कर सकता है इसलिए इसका नाम माइक्रोमीटर रख दिया ऐसा थोड़ी ना है ये मिलीमीटर भी मेजर करता है टेन टू दावर माइनस थ्री मीटर तो इसका नाम मिलीमीटर रख दो है? ऐसा थोड़ी ना है ये टेन टू दी पावर माइनस नाइन मीटर करता है तो इसका नाम नैनोमीटर स्क्रू गेज रख दो भाई कुछ भी बता रहे हैं लोग माइक्रोमीटर ना 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 ना। इसका नाम क्यों है क्योंकि इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ माइक्रोमीटर स्क्रू इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू बच्चों माइक्रोमीटर स्क्रू का क्या प्रिंसिपल होता है माइक्रोमीटर स्क्रू एक सिंपल स्क्रू होता है इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जब इसको एक रोटेशन दो तो ये जितना डिस्टेंस आगे बढ़ा या एक ऐसे उल्टा कर लो एंटी डिस्टेंस पीछे गया एक रोटेशन में ये जितना डिस्टेंस आगे बढ़ता है ना दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स फील आ रहा है कि नहीं फील आ रहा है कि नहीं ये मान लो ऐसे कुचिर कुचिर कुचर बनाए जब इसको एक पूरा घुमाओगे तो ये इतना ही आगे बढ़ेगा हा जैसे मान लो इसकी नंबरिंग कर दे वन टू थ्री मान लो अभी पी पॉइंट पे या एक्स पॉइंट पे मान लो समझ के जाओ भाई वनना न्यूमेरिकल तो मैं फॉर्मले से भी सॉल्व करा दूंगा पर जहां जय का बढ़िया न्यूमेरिकल आया कॉन्सेप्ट लगेगा मान लो एक्स पॉइंट पे पहला थ्रेड है आराम से चलते हैं पॉइंट पे पहला थ्रेड है जब मैं इसको एक रोटेशन दूंगा बच्चों तो एक्स पे ही दूसरा थ्रेड पहुंच जाएगा यानी एक कंप्लीट रोटेशन पे स्क्रू कितना मूव किया इतना डिस्टेंस कितना डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स और एक कंप्लीट रोटेशन में स्क्रू जितना मूव करता है दैट इज कॉल्ड पिच और कितना मूव करेगा जितना डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स है इसलिए ये भी पिच की डेफिनेशन ये भी पिच की डेफिनेशन नहीं समझे मैंने कहा कि अभी मान लो एक्स पे फर्स्ट थ्रेड है एक्स पे ये फर्स्ट थ्रेड है मैंने इसको एक रोटेशन दिया ऐसे एक पूरा चक्कर घुमाया तो क्या होगा ये टू वाला x पे पहुंच जाएगा ये टू वाला पॉइंट पे एक कंप्लीट रोटेशन पे ये कितना आगे बढ़ेगा ये टू वाला थ्रेड एक्स पे पहुंच जाएगा यानी एक कंप्लीट रोटेशन पे ये इतना डिस्टेंस आगे बढ़ा इज पिच पिच सो कैन बी डिफाइंड इन टू वेज जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पिच की वो बच्चों यही है डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन किसका कंप्लीट रोटेशन किसका सर्कुलर स्केल का किसका सर्कुलर स्केल का या इसी को और क्या बोल देंगे थिंबल का ऐसा ही बोल सकता है और कमाल की बात यह होती है कि यह जितना डिस्टेंस पीछे आगे आता है दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजीक्यूटिव थ्रेड्स इसी को पिच बोलते हैं अच्छा एक बात और बताई मैंने आपको कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंजीक्यूटिव थ्रेड्स इज आल्सो इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू यूनिट्स

आप जब सर्कुलर स्केल को एक चक्कर पीछे घुमाओगे सुनो आप बड़ा इंपॉर्टेंट पानी बाद में पीऊंगा मैं आप जब सर्कुलर स्केल को एक चक्कर घुमाओगे तो एक तो ये इतना पीछे मूव करेगा और यहां पे ना ये अभी इसके ऊपर चढ़ा हुआ है ये इसके ऊपर आपने एक चक्कर जैसी घुमाया उसके बाद क्या होगा देखो एक चक्कर जैसी घुमाया एक चक्कर जैसी घुमाया यहां से मान लो अपना स्क्रू बना है एक चक्कर घुमाने के बाद ये होगा कि एक यूनिट बाहर आ जाएगी ऐसे एक चक्कर घुमाने पे एक मिनट आप जब एक चक्कर घुमाओगे जब आप एक चक्कर घुमाओगे तो क्या होगा यह होगा जब आपने इसको एक चक्कर घुमाया तो ये कितना पीछे आया एक यूनिट पीछे जब आप इसको एक पूरा चक्कर घुमाओगे ये मान लो इसका जीरो और ये इसका वन किसका मेन स्केल का जब आप इसको एक चक्कर पूरा घुमाओगे और यहां पे इसका जीरो आ जाएगा जीरो से जीरो एक चक्कर पूरा घुमाया तो यहां से कितनी यूनिट पीछे आए वन यूनिट और ये थ्रेड भी कितना पीछे गया वन यूनिट एंड दिस इज कॉल्ड पिच बोलो फील हुआ फिर समझाते हैं जब इसको एक चक्कर घुमाओगे ना तो इसकी एक लाइन दिखने लगेगी जीरो के बाद फर्स्ट वाली दूसरा चक्कर घुमाओगे तो दो लाइन दिखने लगेगी जीरो के बाद सेकंड तक तीन चक्कर घुमाए तीन लाइन जैसे इस डायग्राम में देखो कितनी लाइन दिख रही है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस यानी ये कितना चक्कर घुमा हुआ है दस चक्कर जब इसको एक चक्कर घुमाया तो एक लाइन दिखी देखो अभी इसके ऊपर बंद है एक चक्कर घुमाएंगे तो पहली लाइन दिखने लगी एक चक्कर घुमाया तो पहली लाइन दिखी एक और चक्कर घुमाया तो दूसरी दिखी तीन चक्कर घुमाया तीसरी दिखी चौथा चक्कर चौथी और दस चक्कर घूमे तब दस लाइन दिख रही है और ये भी कितना पीछे आया होगा दस थ्रेड पीछे आया होगा अब क्लियर है डिस्टेंस मूव्ड बाई स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल या इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजीक्यूटिव थ्रेड ऑफ द स्क्रू या इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑन द मेन स्केल डिस्टेंस बिटवीन टू कंजीक्यूटिव थ्रेड्स पिच ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन इज पिच या तो लास्ट मार्किंग्स ऑन द मेन स्केल बाय मेन स्केल की जो मार्किंग होगी वो पिच के बराबर तो होगी मेन स्केल की दो मार्किंग के बीच का डिस्टेंस पिच ही तो है मान लो मेन स्केल मार्क्ड है मिलीमीटर में जीरो मिलीमीटर वन मिलीमीटर टू मिलीमीटर मान लो मेन स्केल मार्क्ड है मिलीमीटर में मान लो मेन स्केल मार्क्ड है मिलीमीटर में जीरो वन टू थ्री ये तो जब आप सर्कुलर स्केल को एक चक्कर घुमाओगे तो सर्कुलर स्केल जीरो से वन पे आ जाएगी यानी पिच कितना है वन मिलीमीटर आप दो चक्कर घुमाओगे दो मिलीमीटर दो चक्कर में दो मिलीमीटर तो एक चक्कर में एक मिलीमीटर क्लियर है वट इज इट इज दार्किंग ऑफ मेन स्केल मार्किंग ऑफ मेन स्केल अगर सेंटीमीटर में है इसका मतलब सर्कुलर स्केल को एक चक्कर घुमाने में आप एक सेंटीमीटर पीछे आते हो इतनी बातें लिखो और थोड़ा सा दिमाग चलाओ तो आगे बात करें थोड़ा सा सोचो कि क्या बताया ठीक <coughs> है तो हमने ये बताया कि सर्कुलर स्केल को एक चक्कर घुमाने में हम एक थ्रेड पीछे आते हैं या एक रीडिंग पीछे आते हैं शुरू में सर्कुलर स्केल इसके ऊपर पूरी चढ़ी हुई रहती है मैं बार बार बता रहा हूं कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा धीमे चल रहे हैं बाद में यार फॉर्मुला बता के करने लगेंगे शुरू में ये इसके ऊपर चढ़ा रहता है इसका जीरो इसके जीरो के साथ लाइन में इसका जीरो ऐसे होगा ऑरिजोंटल इसका जीरो वर्टिकल लाइन में शुरू में ये इसके ऊपर चढ़ा हुआ है जैसे एक चक्कर घुमाया यहां पे पहली यूनिट दिखने लगी अभी इसके ऊपर चढ़ा था एक चक्कर घुमाया ये पीछे गया वन दिखने लगा दूसरा चक्कर घुमाया ये और पीछे गया यहां पे दूसरी यूनिट दिखी दस चक्कर घुमाया दस यूनिट दिखी सो डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल इज पिच या मार्किंग ऑफ द मेन स्केल इज आल्सो पिच क्लियर है यहां तक अब बात आती है कि क्या सबसे छोटी मेजरमेंट है जो हम स्क्रू गेज से ले सकते हैं सबसे छोटी मेरे मान लो अपनी मेन मेन स्केल स्केल मिलीमीटर मिलीमीटर में मिली है मान लो में अगर मैं इसको एक चक्कर पीछे घुमाऊं तो ये कितना खुलेगा एक थ्रेड के बराबर और यहां कितनी रीडिंग दिखने लगेगी वन एक रीडिंग दिखने मान लो मैं एक चक्कर घुमाऊं यहां पे जीरो पे वन. और इसकी मार्किंग किसमें है मिलीमीटर में मान लो मैं एक चक्कर घुमाऊं तो अपनी सर्कुलर स्केल यहां आ जाएगी ये सर्कुलर का जीरो सर्कुलर के लिए यहां एक चक्कर घुमाने में तो ये हो जाएगा हमना कितना वन मिलीमीटर और यहां पे भी कितनी जगह बन जाएगी तो सबसे छोटा मेजरमेंट किसके बराबर होगा पिच के बराबर होगा ना, ना 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 ये गलत हो रहा है अब क्या गलती है सोचो सबसे छोटी मेजरमेंट क्या ले सकते हो मान लो मेरे पास ये पतला सा पेन है और मुझे इसका डायामीटर मेजर करना है हाँ ऐसी चीजों के लिए यूज होता है स्क्रू गेज एकदम छोटी पतली चीजों का डायमीटर मैंने लगाया सर्कुलर स्केल को मिनिमम कितना घुमा सकते हैं एक चक्कर तो मैंने एक चक्कर पीछे घुमाया एक चक्कर पीछे घुमाने में कितना पीछे आएगा एक मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल इसके ऊपर यहां पे आएगी इस जगह पे एक तो सबसे छोटी रीडिंग क्या हो सकती है वन मिलीमीटर क्या जरूरी है सर्कुलर स्केल को एक चक्कर घुमाएं आधा चक्कर भी तो घुमा सकते हैं ओ सर्कुलर स्केल को मैं हाफ चक्कर घुमाऊं तो सर्कुलर स्केल उस टाइम यहां पे आएगी कि नहीं इसके बीच में एक चक्कर में इतना पीछे तो आधे चक्कर में इतना यानी 0.5 मिलीमीटर mm, एक मिनट अगर मैं सर्कुलर स्केल को वन बाई फोर्थ रेवल्यूशन दू वन बाई फोर्थ इतना सा वन बाई फोर्थ घुमाऊंगा तो कितना मेजर कर लेगा Mm, एक मिलीमीटर mm, तो एक बटे चौथे चक्कर में 0.25। अब नहीं समझ में आ रहा सबसे छोटी मेजरमेंट क्या है? सबसे जितना कम सर्कुलर स्केल को घुमा सको जो सबसे छोटा यूनिट हो सर्कुलर स्केल का दैट इज लीस्ट काउंट नहीं समझे हमने बोला सर्कुलर स्केल को एक चक्कर घुमाने पे ये एक मिलीमीटर mm पीछे आ रहा है अगर मेन स्केल की मार्किंग मिलीमीटर mm में है तो एक चक्कर घुमाने में एक मिलीमीटर mm पीछे आ रहा है तो क्या यही सबसे छोटी रीडिंग है जो ले सकते हैं जरूरी थोड़ी ना इसको एक चक्कर घुमाएं क्या पता हम इसको एक बटे दस चक्कर घुमाएं हल्का सा ऐसे 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 यानी अब ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि सर्कुलर स्केल को मिनिमम कितना घुमा सकते हैं एक चक्कर घुमाने में तो वन मिलीमीटर मेजर मिली होगा पर मैं एक चक्कर ना घुमाऊं उससे कम घुमाऊं तो अब ये डिपेंड करेगा सर्कुलर स्केल की मार्किंग पे सर्कुलर स्केल की डिविजन्स पे मान लो जो अपना सर्कुलर स्केल है इसमें सौ डिविजन हो रखी है कितनी डिविजन सौ डिविजन हो सकती है यानी सबसे कम कितना घुमा सकते हैं वन बाई हंड्रेड इसमें सौ डिविजन है सर्कुलर स्केल में इस सर्कुलर स्केल में इस सर्कुलर स्केल में 100 डिविजन हो रखी हैं 100 मान लेते हैं 100 डिविजन हो रखी है तो सबसे कम कितना घुमा सकते हैं इसको वन बाई हंड्रेड सौ डिविजन घुमाने पर इसमें सौ डिविजन है यहां पे जीरो है यहां पे समझ लो अपना जीरो है यहां वन टू थ्री फोर फाइव पीछे सेवन, एट, टेन और यहां पे ठीक है यहां पे भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो रटा रटा सबको आता है ठीक है रट रट के तो सबको बता दूं पिच क्या है लीजिए मतलब तो फील नहीं ले पाओगे तो फिर फायदा क्या फिर मान लो इसमें कितनी डिवीजन है सौ डिविजन है ठीक है यहां पे जीरो वन टू थ्री पीछे आते आते नाइनटी नाइन यानी जब एक चक्कर घुमा रहे तो कितनी डिविजन घूम रही सौ डिविजन घूमी और सौ डिविजन घूमने में कितना पीछे आए वन मिलीमीटर क्या यही सबसे छोटा मेजरमेंट है नहीं क्या पता हम सौ डिविजन ना घुमाकर एक डिविजन घुमाए ऐसे कटक कटक यहां से कटक इतना सा घुमाया कितना एक डिवीजन यानी आप कितना घूमे एक बटे सौ सौ डिवीजन घूमने पे आप पीछे आ रहे थे वन मिलीमीटर तो एक डिवीजन घूमने में कितना आओगे वन मिलीमीटर बटे सौ यह होगी सबसे छोटी मेजरमेंट देखो एक। इसको सौ ना घुमाया पूरा नहीं घुमाया एक चक्कर नहीं घुमाया एक चक्कर का कितना वन बाई क्योंकि इस पर सौ डिवीजन है तो सबसे छोटा हो सकता है वन बाई ऐसे कचक तो पे इतना बड़ा सा खुला कितना बड़ा स्पेस खुला वन मिलीमीटर का सौवा भाग ये सबसे छोटी मेजरमेंट है जो ये ले सकता है ये हो गई इसकी काउंट, काउंट यानी कितनी हो जाएगी वन मिलीमीटर डिवाइड बाई हंड्रेड यानी पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन क्या पता सर्कुलर स्केल पे पचास डिवीजन होती है अलग अलग तरह की सर्कुलर स्केल बनती है हजार भी होती है पचास भी होती है सौ भी होती है क्या पता है इसके ऊपर मतलब तो वन मिलीमीटर आगे जाओगे तो पचास डिविजन घुमाने ये कितना खुलेगा वन मिलीमीटर क्या ये सबसे छोटी यूनिट मेजर हो रही है नहीं आप एक बटे पचास घुमाओ एक बटे पचास पचास में वन मिलीमीटर तो एक बटे पचास में वन बाई फिफ्टी मिलीमीटर दैट इज लीस्ट काउंट सो लीस्ट काउंट क्या है कि सर्कुलर स्केल को सबसे छोटा कितना घुमा सकते हैं वो लीस्ट काउंट है ऐसे पकड़ो ये तरीका है सर्कुलर स्केल को जो सबसे कम घुमा सको दैट इज लीस्ट काउंट सबसे कम यहां कितना घुमाया हमने एक यूनिट सौ यूनिट घुमाने पे एक मिलीमीटर mm आ रहा था एक यूनिट घुमाने पे कितना पीछे आएंगे वन बटे हंड्रेड दैट इज द लीस्ट काउंट यानी पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है तो यहां से आपको लीस्ट काउंट का फॉर्मुला मिल जाएगा व्हाट लीस्ट काउंट पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन क्लियर हो रही है सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन देने पर आप एक मिलीमीटर mm पीछे आ रहे थे या कितना भी आ सकते हो पिच के बराबर पीछे आ रहे थे आपने कहा एक बटे हंड्रेड रोटेशन देने पे कितना आएंगे दैट इज स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट वी कैन टेक एक बटे सौ एक बटे पचास जितनी बीस में डिविजन स्केल की एक डिजन घुमाने पे एक ये जितना खुला दैट इज स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट यू कैन टेक लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन एंड पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजीक्यूटिव थ्रेड्स या पिच ज द डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है या पिच इज मार्किंग ऑफ मेन स्केल चले आगे बढ़े क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट समझ फील आया इसका की नहीं फील आया कि रट लिए पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन भाई इसको एक चक्कर घुमाने पे ये एक यूनिट पीछे आ रहा है पूरा तो क्या यह सबसे छोटी मेजरमेंट है नहीं अगर इसमें सौ डिवीजन हो रखी हैं तो मैं एक बटे हंड्रेड भी तो घुमा सकता हूं यानी वन बाई हंड्रेड इज दी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट आई कैन टेक यानी पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन चलो आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल आ गया अपने पास न्यूमेरिकल बनाते हैं टू फुल टर्न ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ अ गॉज कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ वन मिलीमीटर ऑन स्केल यानी ये बोल रहे हैं दो फुल टर्न्स, टर्न्स मतलब रोटेशन दो फुल रोटेशन से कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वन मिलीमीटर। अब ये बताओ यहां से क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं पिच की इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं आगे पढ़ो क्या लिखा है टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल इज फिफ्टी सर्कुलर स्केल डिवीजन ऐसे लिखेंगे सी एस डी सर्कुलर स्केल डिविजन कितनी है फिफ्टी क्या पूछा है आपसे लीस्ट काउंट लीस्ट काउंट के लिए पिच निकालनी पड़ेगी काउंट का फॉर्मला क्या है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन बच्चों पिच क्या होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन यहां दो रोटेशन में ये है तो एक फुल रोटेशन में कितना हो जाएगा वन बाई टू मिलीमीटर यही हो जाएगा यानी जीरो पॉइंट फाइव मिलीमीटर ये बच्चों आपको क्या मिल गई पिच मिल गया अब आपको क्या निकालना है लीस्ट काउंट लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सीएसडी सर्कुलर स्केल डिवीजन पिच कितनी है 0.5 मिलीमीटर mm, और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितनी है 50 यहां से पॉइंट अटा जीरो आया फाइव बन जा फाइव मिलीमीटर यानी इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है जीरो पॉइंट जब भी इस तरह की डेफिनेशन यूज हो टू फुल रोटेशन से इतना तो आपको क्या निकालना है कि एक रोटेशन से कितना एक रोटेशन से जितना दैट इज पिच आगे बढ़े चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है जेई मेन्स दो हजार उन्नीस आ जाओ भाई अब जिसका कॉन्सेप्ट बढ़िया वही इसको हेला पाएगा द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल जरा पढ़ो क्वेश्चन की लैंग्वेज द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज वन मिलीमीटर क्या ये लीस्ट काउंट दे रखा है द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल यानी मेन स्केल पे जो सबसे छोटी यूनिट है दैट इज वन मिलीमीटर ये आपको पिच दे रखा है छुपा के क्या बोला द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल मेन स्केल की यानी जो पिच स्केल थी उसकी जो सबसे छोटी मेजरमेंट है लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटी मेजरमेंट मेन स्केल की जो सबसे छोटी मेजरमेंट है दैट इज वन मिलीमीटर ये आपको पिच दे रखा है छुपा के आपको पिच की वैल्यू दी है कई लोग लीस्ट काउंट लिखा है और रट के बैठे हो लीस्ट काउंट खत्म हो जाओगे कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा लीस्ट काउंट स्मॉलेस्ट मेजरमेंट किसकी लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल मेन स्केल की सबसे छोटी मेजरमेंट वन मिलीमीटर वो मेन स्केल की सबसे छोटी मेजरमेंट क्या होती है पिच होती है द मिनिम नंबर ऑफ डिविजन सवाल क्या है द मिनिम नंबर ऑफ डिविजन ऑन इट सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर फाइव माइक्रोमीटर डायामीटर ऑफ अ वायर कह रहा है कम से कम सर्कुलर स्केल पे कितनी डिविजन हो सवाल क्या है आपको फाइंड करनी है नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन ऑन इट सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर फाइव माइक्रोमीटर डायामीटर आपको बहुत छोटी मेजरमेंट लेनी है बच्चा बहुत छोटी कितनी डिविजन हो सर्कुलर स्केल में कि आप ये मेजरमेंट भी ले पाओ फाइव माइक्रोमीटर की यानी आप चाह रहे हो कि आपका लीस्ट काउंट कहां पहुंच जाए फाइव माइक्रोमीटर बोल तो रहा है कि भाई सर्कुलर स्केल पे कितनी डिविजन कर दें कि पांच माइक्रोमीटर मेजर हो जाए भाई सर्कुलर स्केल पे जितनी ज्यादा डिविजन करोगे लीस्ट काउंट उतना छोटा हो जाएगा कि नहीं सौ डिविजन है तो पिच बटे सौ दो सौ डिविजन है तो पिच बटे दो सौ हजार डिविजन है तो पिच बटे हजार लीस्ट काउंट उतना छोटा होता जाएगा उतनी छोटी चीज मेजर हो पाएगी तो यही तो बोल रहे हैं द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन ऑन इट सर्कुलर स्केल टू मेजर फाइव माइक्रोमीटर डायामीटर ये मेजर करना है कुछ नहीं फ़ॉर्मुला लगा देंगे लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सी एस डी बढ़िया सवाल कम से कम कितनी डिविजन हो सर्कुलर स्केल पे कि ये तक मेजर हो जाए बाकी हलवा हलवा सवाल लगाते रहे ये तक मेजर हो जाए यानी यहां तक पहुंच सके लीस काउंट कितना है फाइव माइक्रोमीटर माइनस सिक्स मीटर टू माइनस थ्री मीटर 10 टू दी पार माइनस थ्री मीटर भाई ये माइक्रो होता है 10 की पार माइनस सिक्स मिली होता है 10 की पार माइनस थ्री अपॉन नंबर ऑफ सी एस टी यहां से नंबर ऑफ नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन इज इक्वल्स टू फाइव इंटू टेन टू दार माइन सॉरी नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा बताओ बोलो भाई कितना हो जाएगा नंबर ऑफ सी इज इक्वल्स टू टेन टू द दार माइनस थ्री अपॉन फाइव इंटू टेन टू दार माइनस सिक्स तो ये ऊपर जाएगा टेन टू दावर सिक्स ऊपर जाएगा माइनस थ्री ऊपर जाके माइनस सिक्स क्या हो जाएगा प्लस सिक्स नीचे फाइव ना? ये ये ऊपर जाके हो हो गया गया कितना की पावर बटे यानी बटे पांच कितना हो गया बोलो समझ में आया अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ लीस्ट काउंट तो दे रखा था ये आपने क्या किया लीस्ट काउंट को ये क्यों माना कॉन्सेप्ट नहीं समझ तो में आया लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ दे रखी है वन मिलीमीटर mm. और उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है पिच बोल रहा है सर्कुलर स्केल पे कितनी डिविजन कर दें कि ये तक मेजर हो जाए इतनी छोटी मेजरमेंट ले सके काउंट बना दो क्लियर हुआ यहां तक आगे बढ़ते हैं क्लियर है इसके बाद हलवा हलवा सवाल कर ही पिच क्या है डिस्टेंस मूव बाई स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन हलवे हलवे सवाल में क्या करते हैं कि इन फाइव रोटेशन द स्क्रू मूव्ड बाई फाइव मिलीमीटर एंड द सर्कुलर स्केल हंड्रेड डिविजन फाइन लीज क्राउड इस तरह के सवाल आते हैं कि पांच रोटेशन में पांच मिलीमीटर चला तो पिच कितना हो जाएगा एक रोटेशन में एक मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल डिवीजन दे रखी है तो लीज काउंट इज इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल तो ये कर सकते हो आप आ जाओ अब आ गया फाइंडिंग रीडिंग हा पिच समझ में आ गया मेन हाँ, स्केल की सबसे छोटी रीडिंग या एक कंप्लीट रोटेशन में जितना पीछे गए लीस काउंट समझ गए पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन अब आया रीडिंग निकाल ली है कंप्लीट ठीक है अब बच्चों इसकी रीडिंग में दो चीजें आएंगी जैसे वर्नियर की रीडिंग में दो चीजें थी मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग यहां पे भी दो चीजें होंगी जब आप रीडिंग निकालोगे इसकी रीडिंग में होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग एम एस आर सी एस आर मेन स्केल रीडिंग एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग ठीक है अब समझो मान लो मुझे इसका डायमीटर मेजर करना है समझो आराम से लिखने को मैं यही लिख दू मेन स्केल रीडिंग क्या होती है मैं लिख देते हैं फिर समझाते हैं रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होती है लीस्ट काउंट इनटू को इनसाइडिंग डिविजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन बच्चों बेस लाइन होती है ये वाली लाइन स्केल की तो लिखने को तो फॉर्मुला सीधा सीधा लिख दिया एमएसआर प्लस सी एस आर एमएसआर क्या है रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल सीएसआर क्या है लीस्ट काउंट इंटू को इनसाइडिंग डिविजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन ऐसी वहां पर भी था ना यहां पे 20r था वन ईयर स्केल रीडिंग लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइटिंग डिवीजन ऑफ वन ईयर स्केल विद मेनिसकिन यहाँ पे कोइंस्ट्रैक्ट डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है फील समझते हैं मान लो इसका डायमीटर मेजर करना है इसको नोट कर लो पहले बॉस करके नोट कर लो छाप लो छाप लो हम्म हम्म हम मान लो अपने को इसका डायमीटर मेजर करना है ठीक है मैंने इसको इसके बीच में लगाया सर्कुलर स्केल को रोटेट किया मान लो सर्कुलर स्केल रोटेट हुई न, चार रोटेशन एक दो तीन चार मतलब ये कितना पीछे आया होगा चार अगर ये मिलीमीटर में अगर अगर ये मिलीमीटर में तो कितना पीछे आया होगा चार मिलीमीटर तो इसका डायामीटर कितना होगा चार मिलीमीटर खेल खत्म बहुत बढ़िया है ना मान लो जो मेन स्केल है थोड़ी देर के लिए मान लो ये मिलीमीटर में जीरो वन टू थ्री फोर और यहाँ फाइव सर्कुलर स्केल यहां पे रुकी आके घुमाते घुमाते यहां पे रुकी इसका मतलब इसकी जो लेंथ है दैट इज फोर मिलीमीटर टेंशन खत्म है ना सर्कुलर स्केल का जीरो ये रहा इसके ऊपर एकदम मस्त टिका हुआ है मान लो जब हमने रोटेट किया वो चार के बाद थोड़ा सा और रोटेट किया एक दो तीन चार अभी भी ये फंस नहीं रहा ये अभी भी यहां फंस नहीं रहा एक दो तीन चार एक थोड़ा सा चार के बाद और घुमाया फंस गया पर थोड़ा सा और घुमाने में प्रॉब्लम यह हुई कि जो अपनी सर्कुलर स्केल है वो चार और पांच के बीच में कहीं फंस गई एक रोटेशन में कितना घूमी जीरो से वन दूसरे में दो तीसरे में तीन चौथे में चार और थोड़ा सा और घुमाना पड़ा तब ये फंसा अंदर अगर चार कंप्लीट घुमाने पे ये फंसता तो इसका डायमीटर चार मिलीमीटर खेल खत्म या जो भी पिच स्केल की जो भी रीडिंग्स थी है ना जो भी उसकी यूनिट थी मिलीमीटर हो सेंटीमीटर हो खत्म मान लेते मिलीमीटर है तो चार घुमाने पे ये चार पे रुका और ये इस पे फंस गया नहीं चार मिलीमीटर खेल खत्म हो जाता पर मान लोग घुमाते चार तो कंप्लीट हुई अभी भी नहीं पता। थोड़ा और घुमाना है थोड़ा सा और घुमाया यहां बीच में कहीं आया है कि नहीं मुझे नहीं पता थोड़ा सा और घुमाना पड़ रहा है हा हल्का सा और घुमा अब क्या रीडिंग है चार से ज्यादा है अब कैसे निकलेगी तो बच्चों इस केस में हम बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग तो हमारी फोर ही है

यूनिट है जब वो सौ यूनिट घूमता तो एक रोटेशन होता तब एक मिलीमीटर पांच यूनिट घूमा मतलब भाई वो एक यूनिट घूमता है जब सर्कुलर स्केल तो कितना चलते हैं लीस्ट काउंट के बराबर यूनिट मतलब कितना चले फाइव इन लीस्ट काउंट बोलो आया बोलो आया नहीं आया ये बात नहीं समझ फील नहीं आया थोड़ा बहुत समझ में आया पूरी तरह से नहीं मैंने कहा मान लो इसको फंसाते हैं और चार घूमते हैं एक दो तीन चार इसका डायमीटर कितना हो गया चार मीटर कहानी खत्म थी पर मान लो चार घुमाने पे ये फंसा नहीं थोड़ा सा और घुमाया ऐसा घुमाया कि सर्कुलर स्केल का जीरो थोड़ा नीचे आ गया और यहां पे सर्कुलर स्केल का फाइव आ रहा है एक बार इसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं इसको थोड़ा और ब्यूटीफुल से बनाने की कोशिश करते हैं एक बार चलो ट्राई करते हैं एक बार और कि मान लो जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव मान लो ऐसा घूमा ऐसा घूमा कि यहां पे मान लो ऐसा घूमा हां कि सर्कुलर स्केल का कि, एक मिनट हाँ, ऐसा घूमा कि सर्कुलर का जीरो आ गया वन टू करते करते यहां पे सर्कुलर का फाइव यानी सर्कुलर अपनी पूरी सौ तो नहीं घूमा पांच यूनिट घूमा सर्कुलर जब एक यूनिट घूमता है तो आप लीस्ट काउंट के बराबर बढ़ते हो एक यूनिट पढ़ा देखो यही तो समझाया था लीस्ट काउंट में समझे कि नहीं हाँ जब आप इसको नंबर ऑफ जब आप इसको सौ यूनिट घुमा रहे थे तो एक मिलीमीटर जब ये एक यूनिट घूमा तो एक बटे सौ यही सबसे छोटा डिस्टेंस था यानी एक यूनिट में लीस्ट काउंट के बराबर घूमते हैं हम तो हमने कहा कि चार तो पूरा कंप्लीट हो गया तो चार मिलीमीटर तो है ही साथ में कुछ थोड़ा आगे बढ़ा है चार से पांच के बीच का कुछ और वैल्यू भी आएगा छोटा सा वो कैसे पता चलेगा मान लो ये पांच यूनिट घूमा एक दो ऐसे एक दो एक दो तीन चार पांच पांचवी जो इसकी आ, डिविजन है वो कोइंसाइड की किसके साथ बेस लाइन होती है बेसलाइन इसका मतलब पांच टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट और मेजर हुआ भाई अगर ये एक यूनिट घूमता सर्कुलर स्केल सौ की जगह एक यूनिट तो कितना बना एमएसआर रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल सर्कुलर स्केल के जीरो के पहले कौन सी रीडिंग है चार लिख लिया उंट इंटू को इंसाइडिंग डिविजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद विदलाइन लीस्ट काउंट कितना है इसका पता नहीं ठीक है इंटू को ऑफ सर्कुलर स्केल विदलाइन बोलो फील हुआ जैसे यहां मान लो सर्कुलर स्केल पे सौ डिविजन है कितनी है सौ डिविजन तो बच्चों इस केस का लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा पिच है इसकी वन मिलीमीटर डिवाइड बाई सौ कितना हो गया जीरो पॉइंट जीरो मिलीमीटर है ना मान लेते हैं कि इसकी सर्कुलर स्केल डिवीजन कितनी है इस सौ है और पिच तो तो दिख रहा है तो वन बटे जब इसको आप 100 चक्कर पिछड़ो सॉरी जब इसको आप सौ यूनिट घुमाते हो तो एक चक्कर कंप्लीट हुआ कितना चला वन मिलीमीटर mm. जब आप इसको एक यूनिट घुमाओगे तो कितना चले वन बटे सौ यानी जीरो पॉइंट जीरोमीटर भाई इसको एक चक्कर घुमाए

इंटू जीरो इंटू और पांच डिवीजन का मतलब इंटू जीरो इंटू जीरो जीरो फोर प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव आंसर कितना आया फोर पॉइंट जीरो फाइव मिलीमीटर फोर पॉइंट जीरो फाइव मिलीमीटर्स यही हमको नहीं मिल रहा था चार तक तो क्लियर था कि चार घूमे है ना चार रोटेशन हुई है तो डेफिनेटली चार मिलीमीटर तो थो थोड़ा सा और घूमे कितना और पांच यूनिट और घूमे जब सौ यूनिट घूमते थे तो एक मिलीमीटर पीछे आते थे पांच यूनिट घूमे हैं तो कितना जीरो पॉइंट फाइव मिलीमीटर सौ यूनिट में एक मिलीमीटर तो पांच यूनिट में जीरो पॉइंट फाइव तो यह चीज यहीं से निकली समझ में आ रहा है यह तो समझ में आ गया रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल रीडिंग ऑफ मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल प्लस ये जो छोटी सी रीडिंग और है ये इतनी। ये ये इतनी डिवीजन से एक लीस्ट काउंट दो डिवीजन से दो लीस्ट काउंट और पांच डिवीजन से पांच टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट फील हुआ थोड़ा बहुत बहुत बढ़िया छाप इसको अभी <laughs> और इसका निम हिलाते हैं आ जाओ आगे बढ़े लीस्ट काउंट इंटू को इन साइड डिविजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन अगर इसका जीरो ही को इंसाइड करता तो इसका मतलब पूरा चक्कर चार घूमे थे है ना वन घूमता वन यहां पे करता फर्स्ट पर एक बटे सौ चले है तो लीस्ट काउंट इंटू वन चलो आगे बढ़ते हैं सवाल करते हैं आ जाओ एक न्यूमेरिकल करते हैं सब क्लियर हो जाएगा सर्कुलर स्केल हंड्रेड डिविजन कैलकुलेट डायामी ऑफ वायर ये रीडिंग बनी हुई है यहाँ पे देखो पांच है थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर्थ डिविजन को इंसाइड कर रही है हाँ, अब आ जाओ निकालना है बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं पिच पिच क्या होती है कुछ दे रखा है कितना रोटेट करने पे कितना पिच ये हो जाएगी फिर खत्म मेन स्केल की जो रीडिंग होती है या मार्किंग होती है वही पिच होती है मेन स्केल किस में मिलीमीटर जीरो मिलीमीटर वन मिलीमीटर टू मिलीमीटर यानी सबसे छोटी यूनिट क्या है मेन स्केल की वन मिलीमीटर लीस्ट काउंट निकाल लें लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन पिच कितना है वन मिलीमीटर नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितनी है सौ जीरो मिलीमीटर हो गया जीरो जीरो वन मिलीमीटर लीस्ट काउंट मिल गया कैलकुलेट डायामीटर ऑफ वायर मतलब रीडिंग निकालनी है अपने को रीडिंग निकालनी है रीडिंग टू एम एस आर प्लस सी एस आर भाई एम एस आर कितना हो जाएगा जो मेन स्केल की रीडिंग दिख रही हो जस्ट बिफोर जीरो यहां कहीं जीरो होगा इसके पहले पांच तो ये तो हो गई पांच मिलीमीटर प्लस सी एस आर क्या होता है लीस्ट काउंट इनटू इंसाइडिंग डिविजन ठीक है ना को इन डिविजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन ठीक तो ये हो गया पांच मिलीमीटर प्लस लीस्ट काउंट कितना है जीरो पॉइंट जीरो वन मल्टीप्लाइड बाई को इन डिविजन कौन सी है थर्टी फोर यानी कितना यूनिट घूमा चौतीस यूनिट एक यूनिट घूमता तो लीस्ट काउंट के बराबर चलते दो यूनिट टू टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट चौतीस यूनिट चौंतीस टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट फाइव मिलीमीटर प्लस जीरो पॉइंट थ्री फोर मिलीमीटर सो आंसर विल बी फाइव जीरो सो आंसर विल बी फाइव पॉइंट थ्री फोर मिलीमीटर पांच मिलीमीटर यहां से प्लस लीस्ट काउंट इनटू

चलो एक और सवाल आ गया द थिम्बल ऑफ स्क्रू हैज फिफ्टी डिविजन देखो इस बार थिम्बल वर्ड यूज किया थिम्बल मतलब सर्कुलर स्केल सर्कुलर स्केल जो पीछे निकला हुआ था उसको थिम्बल बोलते हैं द थिम्बल ऑफ स्क्रू हैज है डिविजन मिल गई एंड स्पिंडल एडवांस वन मिलीमीटर वेन द स्क्रू इज इजर्न थ्रू टू रोटेशन क्या बोल रहा है कि दो रोटेशन में कितना आगे बढ़ रहे हैं वन मिलीमीटर तो बच्चों एक रोटेशन में कितना आगे बढ़ेंगे वन बटे टू मिलीमीटर बच्चों यही क्या हो जाएगी इसकी पिच हो जाएगी क्या अब आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन पिच कितनी हो गई वन बाई टू मिलीमीटर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितनी है पचास कितना हो गया एक बटे सौ हो जाएगा टू इंटू फिफ्टी मिलीमीटर तो लीज काउंट कितनी हो गई जीरो पॉइंट जीरोमीटर सबसे पहले लीज काउंट निकाल के रख लेते हैं रीडिंग वगैरह निकालनी होती है तो ठीक है देखो यह इंफॉर्मेशन आपको दी थी स्पिंडल एडवांसेस वन मिलीमीटर द स्क्रू वन थ्रू टू रोटेशन ये दी होती है पिच के लिए ठीक है तो दो रोटेशन में एक मिलीमीटर एक रोटेशन में इतना ये हो गई पिच पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न दे रखी है पचास डिवीज़न थिम्बल मतलब आगे wire, sleeve, sleeve, sleeve होता है बच्चों, अपना स्क्रू मैंने बताया था द रीडिंग ऑन स्लीव स्लीव होता है अपना पिच स्केल या मेन स्केल स्लीव होती है अपनी मेन स्केल मैंने बताया था ना जैसे शर्ट की बाह होती वैसा दिख रहा है हाँ द रीडिंग ऑन स्लीव मेन स्केल इज फाउंड टू बी 0.5 पॉइंट फाइव मिलीमीटर चलो दे दिया एंड रीडिंग ऑन थिंबल इज फाउंड 27 सेवन रीडिंग ऑन सर्कुलर स्केल कितनी है 27 सेवन डिविजन्स तो बच्चों रीडिंग इज इक्वल्स टू एम एस आर प्लस सी एस आर MSR की रीडिंग रीडिंग ऑन दी स्लीव स्लीव क्या थी अपनी मेन स्केल कितनी है पॉइंट फाइव मिलीमीटर प्लस रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल एंड रीडिंग ऑन थिम्बल इज फाउंड टू बी ट्वेंटी सेवन डिविजन यानी सत्ताइसवी डिवीजन को कर रही है सो लीस्ट काउंट इन टू को डिविजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन तो 0.5 मिलीमीटर प्लस लीस्ट काउंट कितना है इसका 0.01 पॉइंट जीरो कितना हो गया है पॉइंट फाइव प्लस जीरो 0.5 प्लस 0.27 कितना हो गया सात पांच दो सात जीरो पॉइंट सेवन सेवन मिलीमीटर जीरो पॉइंट अब देखो इस यहां पे आंसर सेंटीमीटर्स में है ये वाला हो जाएगा है कि नहीं ये मिलीमीटर्स में है इसको डिवाइड बाय 10 कर दो ये हो गया सेंटीमीटर्स में यानी कितना आ जाएगा 0.077 सेंटीमीटरस आंसर सेंटीमीटर में दिया था देखो क्लियर हो गया अभी अभी हल्के-फुल्के न्यूमेरिकल करने आ गए क्या-क्या अप्रोच होगी अपनी सबसे पहले दूड़ों सवाल में पिच कैसे दी होगी या तो साफ साफ दे देगा मार्किंग ऑन मेन स्केल जैसे कि इस सवाल में दिया था या तो साफ साफ दिखेगा मार्किंग ऑन मेन स्केल यहां से पिच मिल गई वन मिलीमीटर mm. उसके बाद क्या देखना है लीस्ट काउंट लीस्ट काउंट क्या होगा पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन दे रखा था सौ डिविजन है यहां दे रखा था पचास डिविजन है निकाल लिया है ना पिच देने का दूसरा तरीका होगा कि कितने रोटेशन में कितना आगे चला तो एक रोटेशन में कितना आगे वहां से पिच फिर लीस्ट काउंट फिर इसके बाद रीडिंग रीडिंग में दो चीज एम एस आर एक सी एस आर मेन स्केल की रीडिंग क्या है जो पिच स्केल की रीडिंग हो जो जीरो के जस्ट पहले आखिरी रीडिंग जो दिख रही हो लास्ट रीडिंग जो विजिबल विजिबल हो जो हो देखो आखिरी रीडिंग जो दैट इज और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होती है लीस्ट काउंट जो निकाल चुके हो इन टू को इन साइडिंग डिविजन अब यहां खुद ही दे रखा है कि रीडिंग ऑन थिम्बल इज फाउंड टू बी ट्वेंटी सेवन डिविजन यानी सत्ताइस डिविजन आगे बढ़े क्लियर है तो ये बेसिक बातें हुई अब हम आ गए जीरो एरर में नाउ वी है मेजरमेंट के पूर्व मेजरमेंट करने से पहले शुरुआत में एक्सपेरिमेंट के शुरुआत में भाई क्या होगा ये पूरी तरह से इस पर टाइट होगा है ना अपना जो सर्कुलर इसके लिए पूरा टाइट होगा अपना जो स्पिंडल है वो स्टड से मैच कर रहा होगा मेजरमेंट के पहले क्या होगा कि अपना जो स्पिंडल है वो स्टड के ऊपर चढ़ा होगा कि नहीं पूरी तरह से इसके ऊपर टाइट होगा स्टार्टिंग में बंद है पूरा ऐसा करने पे यदि जीरो ऑफ सर्कुलर एंड जीरो ऑफ मेन स्केल साथ, साथ ना हो तो हम बोलते हैं जीरो एरर है जनरली क्या होता है जैसे मान लो जीरो वन टू थ्री, फोर आप सर्कुलर स्कूल घुमाते 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 जब पहुंचे तो फाइनल स्टेट ऐसी आती कि यहां पे सर्कुलर का भी जीरो हो जाता है और मेन स्केल का भी जीरो ये एकदम बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है पर कई इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी निकलते हैं ड्यू टू तो वियर एंड ईयर यूज की वजह से धीमे धीमे खराब हो जाते हैं जब ये खराब हो जाते हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जब ये खराब होते तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि बच्चों जीरो वन टू थ्री आपने टाइट करके बंद किया और खेल ऐसा हुआ कि इसका जीरो यहाँ रह गया अब ये बंद है पूरी तरह से कंप्लीटली क्लोज है ये जैसे यहाँ पे देखो इसका जीरो ऊपर है और ये बेस लाइन है बेस लाइन से ऊपर इसका जीरो है बेस लाइन है मतलब यहाँ पे इसका जीरो होगा मेन स्केल का इसका जीरो सर्कुलर का ऊपर निकल गया या ऐसी कंडीशन बनती है ये देखो यहां पे ये बेस लाइन है और ये रहा जीरो यानी इसका जीरो ये इसका जीरो ये यानी सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के नीचे तो जब सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के साथ मैच ना करे तब हम बोलते हैं हमारे पास क्या है इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर ए, ये इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद बेस लाइन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद बेस लाइन इसमें जीरो ऊपर निकल गया था इसमें जीरो ऊपर निकल गया है है बेस लाइन ये है बेस लाइन और इसमें जीरो नीचे रह गया है इफ जीरो ऑफ इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद बेस लाइन एट इनिशियल कंडीशन बिफोर स्टार्टिंग मेजरमेंट ध्यान दो मेजरमेंट के वक्त तो वैसे भी नहीं कोइंसाइड करेगा मेजरमेंट के वक्त तो घुमा रहे हो जीरो ऊपर नीचे तो होगा तभी तो कोई और डिवीजन को इंसाइड करती है मेजरमेंट शुरू करने से पहले भाई मेजरमेंट के तो वैसे भी जीरो तुम्हारा कहीं और रहेगा यहां पे कोई और कोइंसाइडिंग डिवीजन होगी मेजरमेंट स्टार्ट करने के पहले तो जब बंद किया तब तो जीरो जीरो लाइन में हो तब भी नहीं हो रहा इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद बेस लाइन एट इनिशियल कंडीशन बिफोर स्टार्टिंग मेजरमेंट वेन स्पिंडल एंड टच इधर दर सब बताया वेन स्पिंडल वेन स्पिंडल एंड स्टड टच ईच अदर जब ये बंद हो रखा है तब भी जीरो मैच नहीं कर रहा है देन इट इज सेड दैट देयर इज अ जीरो एरर इन स्क्रू गेज साफ साफ दिख रहा है दो तरह की जीरो एरर है है ना इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर इसको बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर जब जीरो नीचे हो सर्कुलर का बेस लाइन से तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव आगे बढ़ते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर बट रिमेंबर वन थिंग ट करेक्ट रीडिंग इज ऑलवेज इक्वल टू द रीडिंग यू हैव माइनस जीरो एरर कैसी भी जीरो एरर हो हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है जो रीडिंग आई है उसमें से जीरो एरर हमेशा हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हमेशा माइनस करेंगे आ जाओ पॉजिटिव जीरो एरर भाई पॉजिटिव जीरो एरर कब होगी जब जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द बेस लाइन क्या वेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो बेस लाइन तो ऐसी जीरो एरर को हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर जरा इसका फील लेते हैं हुआ क्या होगा हुआ ये होगा इंस्ट्रूमेंट बंद करके हमने कर करके ऐसे पूरा रख दिया बंद करके बंद करने पे क्या हुआ इसका जीरो बेस लाइन से मैच नहीं किया कुछ फॉल्ट है इसमें एक्चुअली इसकी सेकेंड यूनिट मैच कर रही है बेस से अच्छा अब क्या होगा जब हम कोई मेजरमेंट लेना चाहते हैं मान लो इसका मेजरमेंट लेना चाहते हैं हम इसको लगाएंगे ये तो पहले से कुछ रीडिंग लेके रखा है बंद में भी ये रीडिंग ले रखा है कितनी टू कितनी रीडिंग दो यूनिट सर्कुलर की यानी टू टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट की रीडिंग इसमें पहले से पड़ी हुई है भाई सर्कुलर की एक यूनिट कितनी होती है लिस्ट काउंट के बराबर दो यूनिट मतलब दो लिस्ट काउंट ये पहले से पकड़ के रीडिंग रखा हुआ है अब आप मान लो इसका डायमीटर है मान लो मान लो चार मिलीमीटर मैं इसको लगाऊंगा और घुमाऊंगा तो दो तो ये पहले से है इसको लगाने पे कितना घूम जाएगा छे तो क्या रीडिंग छे है रीडिंग तो चार है यानी हम रीडिंग ज्यादा ले रहे हैं यानी पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस करना पड़ेगा आए, 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 आए। ये एक, दो दूसरी कर रही है। एक पहले से ही कह रहा है, कि दो है अब हमने ये चार मान लो कुछ विचार बीस का चार है चार को लगाया अब ये कितना घूमेगा दो पे तो पहले ये यहां से चार और घूम जाएगा दो पे तो पहले घुमाया यहां से चार और आगे बढ़ गया तो हमें रीडिंग दिखेगी छे हम तो छह लिखाएंगे गलत हो जाएगा आने कितनी चाहिए चार यानी छह में से शुरू वाली दो माइनस करनी पड़ेगी तो पॉजिटिव जीरो एरर माइनस होगी और कितनी होगी पॉजिटिव जीरो एरर? मुझे बताओ जरा पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू बताओ पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू कितनी होगी दो दो नहीं लिखेंगे पॉजिटिव लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्किल डिवीजन है कि नहीं जो लीस्ट काउंट है

ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन और बच्चों इसको कैसा लेना इसको हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में लेना है ना यानी इस एरर को हमेशा प्लस में रखना प्लस लीस्ट काउंट इन अब फाइनल रीडिंग क्या हो जाएगी मेरी फाइनल रीडिंग कितनी आनी चाहिए थी हमारी याद है चार आनी चाहिए थी क्या हो जाएगी फाइनल रीडिंग को हम ये लिखते हैं करेक्ट रीडिंग करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगी रीडिंग जो कि पहले आई थी पहले कितनी आ रही थी छे भाई चार का लगाया दो पहले से था चार और छे आ रही थी, माइनस एरर, एरर कैसा है पॉजिटिव है माइनस हो जाएगा नेगेटिव माइनस होगा नहीं, नेगेटिव ऐड हो जाता है क्योंकि यहां माइनस माइनस प्लस अभी समझते हैं इतना समझ में आया इतना समझो जब जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द बेस लाइन बिलो द बेस लाइन पॉजिटिव जीरो एरर याद करना पड़ेगा जीरो ऑफ मेन स्केल सॉरी सर्कुलर स्केल इज बिलो द बेस लाइन पॉजिटिव जीरो एरर कितना होगा लीस्ट काउंट इन टू को इन साइडिंग डिविजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन नेक्स्ट इज नेगेटिव जीरो कब होगा जब जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज अब देश लाइन वेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज अब दी बेस लाइन कब भैया बिफोर स्टार्टिंग दी मेजरमेंट की बातें हैं सारी है अदरवाइज तो ऊपर नीचे हो ही सकता है जीरो अब अब दी बेस लाइन अब देखो क्या हुआ इसमें मेजरमेंट कितनी हो रखी है एक दो तीन चार ये मत पैंतालीस मत पढ़ लेना पैतालीस है ना ऐसे नहीं किए चौवालीस पता है नहीं एक दो तीन चार चार यूनिट ऊपर चला गया चलते चलते और इसमें क्या होगा ना ये चढ़ते 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 ऊपर मतलब ये जीरो को पता है छुपा के निकल जाता है नेगेटिव जीरो एरर के केस में ये बेस लाइन का जीरो दिखता ही नहीं तो जाते जाते है इसका जरा फील लो नेगेटिव जीरो एरर केस में बेस लाइन का जीरो दिखेगा ही नहीं मान लो नेगेटिव जीरो एरर का मतलब इसका जीरो इसके ऊपर तो ये चढ़ते 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 इसके पूरी जीरो को छुपा देगा कि नहीं पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या था इसका जीरो इसके जीरो के नीचे मतलब इसके नीचे नेगेटिव का मतलब ये इसके ये जीरो बेस लाइन के ऊपर चला गया तो यानी ये इसके जीरो को छुपा कर ऊपर चला गया किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि जीरो बेस लाइन का हाइड हो गया है मतलब कौन सी एरर है नेगेटिव जीरो फील नहीं आ रहा नेगेटिव जीरो एरर का मतलब है कि सर्कुलर स्केल का जीरो बेस के ऊपर हो

पॉजिटिव में नहीं पॉजिटिव में कैसे पॉजिटिव में तो इसका मतलब थोड़ा खुला रह गया अभी अभी और बंद हो सकता था तभी तो टाइट हो किसको मतलब ये यहां तक आया, फिर चढ़ गया होगा इसके ऊपर अच्छा। मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ? अब मान लो मैं इसको लो इसका मेजरमेंट इस चेंज करते मान लो इसका मेजरमेंट है दस।, दस मैंने दस लगाया तो पहले तो चार तो ऐसे ही घूमेगा और तब तक रीडिंग कितनी दिखेगी? जीरो दिखेगी चार घूम के तो रीडिंग जीरो हुई। ये कितना और आगे जाएगा छह जाएगा बस भाई ये है दस का चार तो यही कवर हुआ छे गया। हम रीडिंग कितनी है दस मतलब ये करना पड़ेगा चार। सर आप तो कहते जीरो होती है माइनस ही होगी इसको हम नेगेटिव लेंगे माँगस, माँगस, प्लस आए, हाए, 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 नहीं समझे इसकी एरर ही माइनस चार लिख देंगे फिर जब माइनस करेंगे तो ऐड हो जाएगा नहीं समझे भाई ये माइनस चार दिख रहा है माइनस कैसे पहले समझते हैं मान लो इसका मेजरमेंट है दस कितना है दस इसका डायमीटर कुछ भी दस यूनिट है ना दस यूनिट हमने लगाया दस इसको घुमाया ये भी दस घूमना चाहिए चार तक तो जीरो ही रह जाएगा ये छह और आगे जाएगा भाई ऐसे घुमाया कट 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 चार चकट कट 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 छह ही तो दिखाएगा यहां पे भाई इसकी मेजरमेंट दस है ना तो चार तो ऐसे घूम गया जीरो आते आते उसके अच्छे और घूमा हमने पूछा कितनी रीडिंग इन्होंने अच्छे एक्चुअल में कितनी है दस यानी जो दिख रही है उसमें चार और एड करो यानी हो कितनी होगी नेगेटिव जीरो एरर ये तो बड़ा आसान है नेगेटिव जीरो एरर इज इक्वल्स टू तो लीस्ट काउंट इनटू टू डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन कब होगी नेगेटिव जब जीरो ऊपर चला जाए और यहां पे लग जाएगा बच्चों इस बार माइनस माइनस लगाने से क्या हुआ ये माइनस चार हो गया करेक्ट रीडिंग करेक्ट रीडिंग इज इक्वल्स टू रीडिंग माइनस जीरो हमेशा माइनस होती है अब देखो करेक्ट रीडिंग कितनी आनी चाहिए दस एक्चुअल रीडिंग कितनी आ रही थी छे बाई इधर घूमेगा इधर घूमा छूटा दिख रही है हमको रीडिंग छ माइनस जीरो एरर कितनी है इस बार माइनस फोर देखो काम बन गया कि नहीं जीरो एरर हमेशा माइनस होती है ये बात अलग है कि पॉजिटिव जीरो एरर को प्लस लिखते हैं और नेगेटिव जीरो एरर को माइनस अंदर अंदर ही नेगेटिव जीरो एरर ऐड भी होती है फील हुआ कि नहीं हुआ भाई ये चार पीछे था आपने दस का लगाया चार इधर और कवर किया अब छे कवर किया हमें दिख रहा है छे पर रीडिंग तो दस चाहिए तो सिक्स माइनस माइनस फोर क्लियर है अब देखो शॉर्ट में समझो एकदम शॉर्ट में इतना तो कॉन्सेप्ट हो गया पॉजिटिव जीरो एरर जब सर्कुलर का जीरो बेस लाइन के नीचे हो पॉजिटिव कैसे निकलेगा लीस काउंट इंटू कोइनसाइटिंग डिवीजन कैसा रखोगे प्लस और लास्ट में जीरो एरर माइनस खत्म जब सर्कुलर का जीरो बेस लाइन के नीचे हो तो प्लस पॉजिटिव जीरो एरर काउंट इंटू कोइनसाइटिंग डिवीजन लास्ट में माइनस करना है

पॉजिटिव जीरो रहा इसमें प्लस लगा के जीरो र कैलकुलेट करो लीस्ट काउंट इनटू कॉइनसाइडिंग डिवीजन और जब जीरो सर्कुलर का ऊपर हो तो माइनस लगा के कैलकुलेट करो और लास्ट में तो माइनस ही करना है आ जाओ सवाल पे चलो सवाल करते हैं द पिच एंड दी नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन दी सर्कुलर स्केल फॉर अ गिवन स्क्रू गेज आर 0.5 मिलीमीटर एंड 100 और पहले लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं पिच दे रखा है द पिच एंड दी नंबर ऑफ डिवीजन स्केल फॉर गिवन स्क्रू आर तो पिच है 0.5 मिलीमीटर नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजंस दे रखा है 100 और पहले लीज़ काउंट निकाल लें लीज़ काउंट इज इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सीएसटी 0.5 अपॉन 100 कितना हो गया ये 0.00 फाइव मिली मीटर यही होगा फाइव इंटू ट्वेंटी माइनस थ्री है ना ये पॉइंट हटाओगे mm. कहानी वेन द स्क्रू गेज इज फुली टाइटेंड पूरा टाइट कर दिया है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट अभी कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं फुली टाइट एंड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट दीरोकेविजन बिलो थ्री डिविजन्स बिलो कौन सी जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर द मीन लाइन यहां से हम पॉजिटिव जीरो एरर निकाल लें पॉजिटिव जीरो एरर कैसे पॉजिटिव हुई बाई कैसे पॉजिटिव हुई क्यों द जीरो ऑफ इट सर्कुलर के लाइज थ्री डिविजन्स बिलो द मीन लाइन नीचे होता है तो पॉजिटिव कितनी हो जाएगी लीस्ट काउंट इन टू को इनसाइडिंग डिवीजन लीस्ट काउंट कितना है 0.005 मल्टीप्लाइड बाई कोइंसाइडिंग डिवीजन कितनी है थ्री थ्री डिविजन तीन डिवीजन नीचे है तो थ्री फाइव जीरो पॉइंट जीरो मिली मीटर रही पॉजिटिव जीरो एरर कैसी होगी ये प्लस में पॉजिटिव जीरो एरर पॉजिटिव जीरो एरर ठीक है आगे बढ़ते हैं द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड दर्कुलर स्केल फॉर अ थिन शीट आर अब चलो यहां से तो रीडिंग दिया है द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड दर्कुलर स्केल फॉर अ थिन शीट आर फाइव पॉइंट फाइव मिलीमीटर एंड फोर्टी एट रिस्पेक्टिवली ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग तो पहले तो हम लोग नॉर्मल रीडिंग निकाला जाए रीडिंग इज इक्वल्स टू एम एस आर प्लस सी एस आर रीडिंग ऑफ मेन स्केल कितनी दे रखी है

है ना एंड 48 एट रिस्पेक्टिवली मतलब 48 डिवीजन को कर रही है तो 0.005 पॉइंट जीरो कितना हो गया 5.5 मिलीमीटर प्लस 5 एट ज फोर्टी फोर फाइव फोर जॉ ट्वेंटी और 4 24 ये हो जाएगा 0.240 मिलीमीटर mm, बोलो आएगा 5 एट ज फोर्टी फोर फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी और 4 0. टू फोर जीरो ठीक है जीरो पॉइंट टू फोर जीरो बहुत बढ़िया ये कितना हो जाएगा फाइव पॉइंट फाइव और टू पॉइंट टू फोर जीरो फाइव पॉइंट फाइव और पॉइंट टू फोर जीरो जीरो चार सात पांच कितना आया फाइव पॉइंट सेवन फोर जीरो मिलीमीटर बट बच्चों ये करेक्ट रीडिंग नहीं है अब करेक्ट रीडिंग निकालनी पड़ेगी रीडिंग माइनस जीरो एरर करेक्ट रीडिंग विल बी रीडिंग माइनस जीरो एरर रीडिंग कितनी है फाइव पॉइंट सेवन फोर जीरो मिलीमीटर माइनस जीरो एरर कितना है अपना जीरो पॉइंट जीरो फाइव सॉरी जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव है? तो है पॉइंट सेवन फोर जीरो माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव दस में से पांच गया पांच तीन में से एक गया दो और ये है। अब देख लो ऑप्शंस किसमें दिए हैं मिलीमीटर्स में दिए हैं सेंटीमीटर्स में दिए हैं दैट यू कैन डू मिलीमीटर्स में, में 5.725 मिलीमीटर

उसके बाद रीडिंग निकालने के लिए एम एस आर प्लस सी एस आर मेन स्केल रीडिंग फाइव पॉइंट फाइव सर्कुलर स्केल रीडिंग फोर्टी एट मतलब फोर्टी एट इंटू काउंट फिर उसके बाद करेंट रीडिंग टू रीडिंग माइनस क्लियर है आगे बढ़े चल अब आगे हम आ स्क्रू गेज विथ अ पिच ऑफ पॉइंट फाइव मिलीमीटर एंड सर्कुलर स्केल विथ फिफ्टी डिविजन आ जाओ पहले जो डेटा दिया उसको लिख लेते हैं पिच कितनी है 0.5 मिलीमीटर एंड नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितनी है 50 यहां से लिस काउंट निकाल लेते हैं पिच अपॉन नंबर ऑफ चीएसडी भाई इतना लंबा सवाल है लीस्ट काउंट से जरूरत पड़ेगी ही 0.5 बटे 50 यहां से पॉइंट हटा 5 बटे 500 यानी वन फाइव �

पैतालीस इतना जीरो एरर है खोलते खोलते पैतालीस में आने पड़ रहा है एंड दैट जीरो ऑफ द मेन स्केल इज विजिबल नेगेटिव जीरो एरर जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बियरली विजिबल भाई चढ़ते चढ़ते इसका जीरो ऊपर निकला मेन स्केल के ऊपर चढ़ गया ये चढ़ते 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 मेन स्केल के जीरो के ऊपर चला गया और 45 डिवीजन को इंसाइड कर रही है इसका मतलब ये नहीं कि फोर्टी ऊपर लोग है कॉन्सेप्चुअल था दिमाग लगाना था जय का सवाल है मेरे ख्याल से दिया नहीं है जय का होगा इतना बढ़िया सवाल जय का होगा चेक कर लेना तुम टाइप करके नेट पे जय का निकलेगा आईडी जाएगा का आई भाई ये चढ़ते चढ़ते इसका जीरो इसके जीरो के ऊपर चला गया इसीलिए बोला है जीरो ऑफ मेन स्केल इज इस विजिबल देखो ये वर्ड यूज किया इन्होंने जीरो ऑफ मेन स्केल इज इस विजिबल और कौन सी डिविजन को मिनट पैतालीस मतलब ये यहां पे आ गया पैंतालीस तो इसका मतलब क्या है पैतालीस डिविजन नहीं इसका मतलब ये जीरो कितना ऊपर गया है पांच डिवीजन क्योंकि पचास डिवीजन है उसमें यहां पे क्या हम बोलेंगे फोर्टी सिक्स डिविजन हमने चार बोला क्योंकि चार यूनिट ऊपर गया सर ये कैसे पता चला ऊपर गया कि खुला है जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेरली विजिबल का मतलब ही होगा नेगेटिव जीरो एरर मेन स्केल का जीरो नहीं दिख रहा मतलब ऊपर चढ़ गए हैं हम ऐसे करते करते टाइट ऊपर चले आए इसके कितने डिवीजन ऊपर गए हैं पांच पैतालीस नहीं पैतालीस नहीं पैतालीस तो वहां दिखने लग गया भाई जीरो देखो इसका जीरो नहीं दिखाई पड़ेगा ये इसके ऊपर है छुपा दिया इतना ऊपर आ गया ठीक है तो ये जीरो ऊपर निकल गया हाँ, हाँ। ये बेरली विजिबल है इसका जीरो ऊपर निकल गया वन टू थ्री फोर फाइव एक्चुअल में ये हुआ ना कि पांच यूनिट ऊपर खिसक गया अब आप देखोगे उल्टे तरफ से रीडिंग को अब उल्टे तरफ से रीडिंग को देखोगे तो आपको कुछ और ही फील होगा भाई आप इधर से देखोगे जीरो के बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहां पे फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट फोर्टी नाइन फिफ्टी आपको लग रहा है पैंतालीस रीडिंग है भाई पैंतालीस तब होती जब खुल के आता तब आता पॉजिटिव जीरो जब जीरो नीचे होता ये तो क्या निगेटिव जीरो ऊपर चढ़ गया आपको लग रहा है पैतालीस यहां एक्चुअली तो पांच यूनिट ऊपर गया है ना ये चीज दिमाग लगानी थी क्योंकि पचास टोटल डिविजन है तो आप क्या लिखोगे यहां पे कैसी जीरो एरर एरर है नेगेटिव नेगेटिव जीरो कैसे समझ में आया क्योंकि जीरो इज विजिबल कितना होगा लीस्ट काउंट माइनस के साथ इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन लीस्ट काउंट कितना है जीरो पॉइंट जीरो वन माइनस माइनस के के साथ के साथ 0.01 इंसाइडिंग डिवीजन कौन सी है फिफ्थ डिवीजन इंटू फाइव माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव मिलीमीटर ये हो गया अब आगे चलते हैं रीडिंग निकालते हैं फिर करेक्ट रीडिंग वट इज दिकनेस ऑफ द शीड इफ द मेन स्केल रीडिंग इज इतना एंड ट्वेंटी फिफ्थ डिविजन को इन साइड विदेन स्केल लाइन पहले रीडिंग निकालते हैं रीडिंग इज इक्वल्स टू एम एस आर प्लस सी एस आर एमएसआर कितनी दी है इफ द मेन स्केल रीडिंग इज पॉइंट फाइव मिलीमीटर मेन स्केल की रीडिंग कितनी है पॉइंट फाइव मिलीमीटर और ये क्या होता है बच्चों लीस्ट काउंट इन टू डिवीजन। डिविजन पॉइंट फाइव मिलीमीटर कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सी है ट्वेंटी फिफ्थ डिविजन को जीरो पॉइंट पॉइंट प्लस कितना हो पांच दो सात सेवन फाइव मिलीमीटर यही होगा पांच दो सात पांच जीरो पॉइंट जीरो 0.25 और 0. ये हो गया अब करेक्ट रीडिंग करेक्ट रीडिंग इज इक्वल्स टू रीडिंग माइनस जीरो एरर और जीरो एरर कैसी है अपनी नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगी रीडिंग कितनी है 0.75 माइनस जीरो एरर कितना है माइनस जीरो पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट फाइव माइनस माइनस विल बी प्लस फाइनल आंसर विल बी सॉरी माइनस माइनस विल बी प्लस सो फाइनल आंसर विल बी जीरो पॉइंट सेवन फाइव प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो पॉइंट एट जीरो मिलीमीटर सेंटीमीटर में होगा तो जीरो पॉइंट जीरो एट जीरो हो जाएगा जीरो पॉइंट एट जीरो मिलीमीटर क्लियर है तो यह था आपका जीरो एरर का भी कॉन्सेप्ट थैंक यू डाउनलोड डीपीपी एंड लेक्चर नोट्स ऑफ दिस लेक्चर राइट आफ्टर दिस सेशन फ्रॉम फिजिक्स वाला अलग पांडे डॉट कॉम अल्फा इलेवन फिजिक्स में जाना उसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जाना तो यहीं पे आज का लेक्चर होता है समाप्त इसके बाद हम कोशिश करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट करने की पढ़ाई करते रहें ऑल द वेरी बेस्ट